चालू हो गया, नंबर आ रहा है नीचे 1 2 3 4। अरे यार, तो दोस्तों फिलहाल हम लोग अपने सोसाइटी में घूम रहे हैं। दोस्तों आप लोग ये जो सोसाइटी देख रहे हैं दोस्तों, ये सोसाइटी है अपने सर्वोदय नगर की दोस्तों सोसाइटी है। और ये जो सर्वोदय नगर कहाँ पर सिचुएटेड है दोस्तों वो मैं बता देता हूँ, ये अंबरनाथ में सिचुएटेड है। अंबरनाथ जो सिचुएटेड है दोस्तों, ये मुंबई में सिचुएटेड है। मुंबई मीन्स थाने, थाने में सिचुएटेड है दोस्तों। ये थाने महाराष्ट्र लोकेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ही फिलहाल अभी तो मेरा घर है दोस्तों, और यहीं पर मैं रहता हूँ दोस्तों इस। और ये देखिए दोस्तों, आप लोग ये सर्वोदय के गेट पे आ गए हैं दोस्तों। आप लोगों को मैं एक राउंड लेकर के दिखा देता हूँ दोस्तों, सर्वोदय पूरा मीन्स किस तरीके से दिखता है ये देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये है मंदिर, सर्वोदय मंदिर। ये मंदिर काफ़ी बढ़िया मंदिर है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और शानदार अंदर से दिखता है, और बाहर से भी वैसे ही शानदार दिखता है दोस्तों। ये मंदिर को बनाने में काफ़ी समय लगा था, फिलहाल अभी मंदिर तो बन के रेडी हो गया है दोस्तों। ये पूरा सोसाइटी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों किस तरीके से लोग यहाँ पर घूमते हैं फिरते हैं और एंजॉय करते हैं दोस्तों। हाँ ठीक है, जाने दो। तो देखिए दोस्तों, ये सोसाइटी है, ये पूरा पूरा इसमें ए फेस 1, फेस 2, फेस 3, 3 फेस है दोस्तों। यहाँ पर कोई ऐसा टोपोरी मवाली टाइप ऐसा कोई लड़के ऐसा घूमते फिरते तो नहीं दिखेंगे दोस्तों आप लोगों को। जितने भी लोग हैं दोस्तों, सब काम धंधा करने वाले लोग हैं, आप लोग ये पूरा देख सकते हैं। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है दोस्तों, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया रहता है। क्या दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक स्कूल है, बच्चे लोग इसमें पढ़ाई करते हैं, प्राइमरी स्कूल है। ये सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक ये स्कूल है, और 8th स्टैंडर्ड तक ही सिर्फ ये स्कूल है। इसके आगे आप लोगों को 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए आप लोगों को बच्चे लोगों को अलग मीडियम में, अलग स्कूल में डालना होता है दोस्तों। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, तो ये जो आप जिस फेस में फ़िलहाल घूम रहे हैं, ये फेस 3 है दोस्तों। फेस 2 वो साइड में है, और फेस 1 भी है दोस्तों। अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को फेस 3 में घुमा रहा हूँ। आप लोगों ने अभी तक जितना भी एरिया देखा है दोस्तों, ये सारा का सारा फेस 3 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ छठ पूजा चल रही है दोस्तों। यहाँ पर लोग पूजा के लिए आए हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग सुबह आए थे लेकिन अभी थोड़े कम हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए पूजा हुआ है दोस्तों, और सब लोग यहाँ पर पूजा करने आए थे। और फिलहाल अभी हम लोग वापस से मंदिर की इधर पे आ गए हैं दोस्तों, और यहाँ से मैं आप लोगों को फेस 1 में भी लेके चलता हूँ। फेस 1 में किस तरीके से फेस 1 का मीन्स ये है, सारा चीज़ दिखता है। और फिर मुझे थोड़ा सा बाहर, मैं आज निकला हूँ थोड़ा कुछ काम से दोस्तों, क्योंकि आज मेरे घर में अंडा करी बनने वाला है, तो अंडा लेने के लिए मैं निकला हूँ दोस्तों। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैं फेस 1 की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पर भी बाकी के बिल्डिंग्स भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को बाकी की बिल्डिंग भी देखती रहेगी। रास्ता जो है दोस्तों फेस 1 के लिए जाता है। यहाँ पर रास्ते में आप खड्डे देख सकते हैं दोस्तों। क्या होता है कि यहाँ पर रोड तो बार बार बनती है, बट बारिश वापस आती है, वापस से रोड वॉशआउट हो जाता है, फिर वापस से रोड बनता है, फिर वापस से रोड वॉशआउट हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर रोड बनेगी, अब सीमेंट वाली बनेगी, अब शायद से वॉशआउट नहीं होगी। और एक बार अगर सीमेंट वाली रोड बन जाती है तो वो लॉन्ग लाइफ चलती है, क्योंकि इससे पहले भी साकिनाका घाट के ऊपर में भी ऐसी बहुत सारे रोड्स बनते थे और बारिश में धुल जाते थे। फिर वहाँ पर जब से सीमेंट वाली रोड बन गई दोस्तों, तब से वो रोड मतलब सालों साल टिकी रही, और वो कभी वॉशआउट नहीं हो गया, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ गया उसमें। तो यहाँ पर रोड में आप खड्डे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर गाड़ी आते ही ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। और यहाँ पर एक बाज़ार लगता है दोस्तों, बाज़ार बोले तो जिसको भी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों, वो यहाँ से आकर के लेके जाता है। तो यहाँ पर जो आप, मैं फेस 1 में आपको लेके जाना भूल गया, एक मिनट। काम धंधा पहले नहीं करेंगे ना तो यही काम करना पड़ेगा लास्ट में। हाँ क्या क्या बाहर ही बैठे हैं, मेरे पापा देखो इधर ही, इधर ही। तुम्हारे बाबा बैठे गए हो क्या, बोलो।
हाँ तो देखिए दोस्तों, ये फिलहाल हम लोग फेस वन में आ गए हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं फेस वन है, यहाँ का वॉचमैन ने अभी हम लोगों को रोकने की कोशिश की क्योंकि हम लोग फेस थ्री के बंदे हैं। और ये देखिए दोस्तों क्लब हाउस है यहाँ पर कैरम बोर्ड और भी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहती है दोस्तों। अभी तो आपने हम लोगों के देखिए दोस्तों, हम लोग आप हमें देख सकते हैं कांच के अंदर फिलहाल। और ये है दोस्तों फेस वन है पूरा, तो देखिए पूरा फेस वन है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को मैं ये दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से लेता हूँ। ये जो क्लब हाउस है, क्लब हाउस के बाजू में स्विमिंग पूल भी है। और क्या कर रही है तुम? स्विमिंग पूल भी है दोस्तों। और यहाँ पर स्विमिंग पूल में गर्मियों में लोग आते हैं, लेकिन ये गर्मियों पूरा के तरीके से खाली था क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है, लोगों को डर लगता है। और चलो फिर अभी हम लोग फेस वन से बाहर ही बड़ा था दोस्तों, लेकिन हम लोग कुछ रिस्ट्रिक्शन के वजह से हम लोग नहीं जा पाए, पूरा फेस वन आपको नहीं दिखा पाए। वैसे भी आप लोगों को जस्ट छोटा वीडियो ही पसंद आता है लोगों को देखने के लिए, इतना बड़ा वीडियो बना करके भी कोई मतलब नहीं है। जस्ट आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया लग गया दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर स्विमिंग पूल है, इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी है दोस्तों। गर्मियों के मौसम में पूरा भरा रहता है, बच्चे आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए। बट अभी क्या है कि कोरोना वायरस पूरा फैला हुआ है और यहाँ पर कुछ फैमिली रिलेशन के भी लोग रहते हैं हमारे, जिसकी वजह से हम लोग ये सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। काजल काका बड़ा क्या बोलती है, क्या बोला हुआ? बोलते वीडियो बना रहे हैं ना, उसको डर गया हो कि किसका वीडियो बना रहे, क्यों ना बोले। हाँ भाई, हम लोग का काम कर रहे हैं भाई, काम बोले तो जो कुछ भी है यार कुछ। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा बाजार लगता है, यहाँ पर लोग आते हैं। और मैं आप लोगों को आगे की ओर लेके चलता हूँ फिलहाल। अभी ये जो मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ दोस्तों, ये हमारा सोसाइटी नहीं है, बट ये बाकी के बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पर हैं दोस्तों। आप लोग बस ये एरिया देख सकते हैं दोस्तों, ये फिलहाल अभी मैं 2020 में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी स्लो हो गया है, जिसकी वजह से अभी तो फिलहाल आप लोग को इतना डेवलपमेंट दिख रहा है। अभी तो डेवलपमेंट और भी फास्ट होने वाला है दोस्तों। अभी तो मतलब जैसे जैसे थोड़ा आगे जाएगा, अभी यहाँ पर इतने प्रोजेक्ट्स चालू होने वाले हैं दोस्तों, इतने सारे प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है इधर पे कि पूछो मत। सारे के सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं क्योंकि कोरोना वायरस, नोटबंदी और भी फलान ढकान, GST, BST काफ़ी प्रॉब्लम्स की वजह से बिल्डर्स लोगों की लग गई थी अच्छी खासी। तो अभी बिल्डर्स वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे एक ना तो एक दिन। और जिस दिन वापस आएंगे उस दिन यहाँ पर पूरा धमाल मचा के जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप लोग ऑफिसेस देख सकते हैं, बिल्डर लोगों की ऑफिसेस हैं यहाँ पर। लोग देख रहे हैं हम लोग को और सोचते रहेंगे, है कि नहीं सब लोग, कि ये लोग क्या कर क्या रहे यार ये लोग, है कि नहीं? अरे बदनाम होने वाली क्या बात है यार, लोग दुनिया तो साला दुनिया तो देखेगी ना, दुनिया का काम ही है मतलब ये सब देखना। वो यहाँ पर भी देखेगी, यूट्यूब में भी देखेगी, दुनिया का काम ही है देखना। बोलो सबकी बस की बात थोड़ी ना होती है यार, एकदम अभी अंदर से थोड़ा सा एनर्जी आई है कुछ करने के लिए तो करेंगे। इसकी माँ का लोगों का डर लग कहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में जाना पड़ेगा यार अपने को। तुमको मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात, तुमको ना हार्डवेयर में लेके चल।